क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए थ्री हिंज आर्च पैराबोलिक आर्च एस शोन बिलो। एक थ्री हिंज आर्च दे के रखा है जिसमें हमें क्या क्या चीजें निकालनी है, जिसमें हमें निकालनी हो नॉर्मल थ्रस्ट, जिसमें हमें निकालनी है नॉर्मल थ्रस्ट, दूसरा रेडियल शियर, नॉर्मल थ्रस्ट निकालनी है, रेडियल शियर निकालना है, तीसरा निकालनी है बेंडिंग मोमेंट, तीसरा चीज हमें निकालनी है बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट। कौन सा सी पॉइंट है बता दूंगा मैं आप लोगों को, क्वेश्चन में देके रखा है बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट। एंड ऑल्सो ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम पॉजिटिव एंड निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये चार चीजें हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन दे के रखा है कि एक थ्री हिंज आर्च है, ठीक है, एक थ्री हिंज आर्च है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक थ्री हिंज आर्च है जिसमें ये दो हिंज हो गया और ये तीसरा हिंज हो गया, और साथ में ये दे के रखा है कि जो ये थ्री हिंज आर्च है द हाइट ऑफ द क्राउन, ये क्राउन है और हाइट ऑफ द क्राउन जो है YC इक्वल टू 8 मीटर दे के रखा है, साथ में एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे के रखा है, लेकिन सिर्फ राइट हाफ में दे के रखा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इट्स इंटेंसिटी इज 24 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, और एक सी पॉइंट है जो सी पॉइंट है, ये एक ये तो हो गया हम लोगों की क्राउन पॉइंट, ठीक है, ये हो गया हम लोगों की क्राउन, और एक ये सी पॉइंट दे के रखा है। इस पॉइंट में हमें फाइंड आउट करना है द सी पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, और जो टोटल डिस्टेंस है टोटल लेंथ इज इक्वल टू 48 मीटर है, पूरा लेंथ 48 मीटर है, लेकिन 12 मीटर पॉइंट में हमें बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। साथ में हमें ये भी निकालनी है कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना निकलेगा, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना निकलेगा, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी पॉइंट में क्या क्या बेंडिंग मोमेंट निकलेगा। ठीक है, अब साथ में ये हमें क्वेश्चन में देके रखा है कि दिस इज दी ए पॉइंट, दिस इज दी बी पॉइंट, और ये क्राउन पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो इतना चीजें देके रखा है क्वेश्चन में। अब बस हम लोगों को निकालनी है दिस फोर पॉइंट्स। तो पहले पॉइंट हम लोग निकालने से पहले एक चीज मैंने ऑलरेडी थ्योरेटिकल पार्ट में बता दिया था प्रीवियस वीडियो में कि जो हिंजेस है उसमें वर्टिकल रिएक्शन एक बनेगा एंड एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बनेगा, एंड बी पॉइंट में भी एक वर्टिकल रिएक्शन बनेगा और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बनेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शंस निकाल लेते हैं। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, इससे आएगा हॉरिजॉन्टल एट ए इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल एट बी, ये दोनों चीजें आ गया। ठीक है, मतलब दोनों चीजें इक्वल होगा। अब नेक्स्ट मैं करता हूँ वर्टिकल इज इक्वल टू जीरो, वर्टिकल इक्वल टू जीरो से क्या लिखूंगा, देखिए वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू टोटल लोड, ये जो लोड है 24 किलो न्यूटन पर मीटर, ये लोड कितने मीटर पे लगा है, ये पूरा लोड जो है आधा आधा स्पैन में लगा कर रखा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, तो ये अगर टोटल 48 है तो 24 हो जाएगी, तो 24 के लिए अगर मैं करूँ तो वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू टोटल लोड है 24, सो 24 एक मीटर के लिए, सो 24 मीटर के लिए कितना होगा, तो 24 इंटू 24 जिससे वैल्यू आएगा 576 किलो न्यूटन।
अब तीसरा चीज मैं यूज करूंगा कि मोमेंट मैं फाइंड करूंगा या तो ए में या तो बी में, ठीक है, या तो मोमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो और मोमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो। चलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, ए में ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी दिखा दिया था, मैं बी में फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। तो बी में अगर मैं फाइंड आउट करूँ मोमेंट इस पॉइंट में, तो वी ए इंटू क्या लिखूंगा, वी ए इंटू डिस्टेंस बी पॉइंट तक कितना है 48। सो वी ए इंटू 48, ठीक है, ये कैसे घूम रहा है, दिस वन इज रोटेटिंग इन द बी पॉइंट के अबाउट, ये वी ए रोटेट कर रहा है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, विच इज इक्वल टू 24 लोड। अब लोड का लिखूंगा 24 के आधा डिस्टेंस में एक्ट हो रहा है। सो यहां से वी ए की वैल्यू आएगा, इससे वैल्यू आ रहा है वी ए इज इक्वल टू 144 किलो न्यूटन। तो ऑब्वियसली बात है वी वी विल बी 576 माइनस ऑफ 144 इक्वल टू 432 किलो न्यूटन। ये हो गया वी ए और वी वी। सो तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम लोग वी ए और वी वी फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे समीशन ऑफ मोमेंट एट क्राउन पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। तो क्राउन में अगर मैं मोमेंट फाइंड आउट करता हूँ तो उससे मैं फाइंड आउट कराऊंगा हॉराइजेंटल एट ए एंड हॉराइजेंटल एट बी। सो क्राउन में कैसे फाइंड आउट करूंगा, वर्टिकल एट बी इंटू क्या डिस्टेंस है, नहीं एक काम करते हैं, ए की तरफ से कर लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगी। वी ए इंटू ए के तरफ से मैं अगर करूं तो वी ए इंटू 24 इज इक्वल टू वी ए इंटू 24 इज इक्वल टू एच ए इंटू 8 इक्वल टू एच ए इंटू 8। सो अगर इससे मैं फाइंड आउट करो वी ए का वैल्यू है 144, सो 144 इंटू 24 इज इक्वल टू एच ए इंटू 8। अगर इससे मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगा एच ए इक्वल टू 432 किलो न्यूटन विच इज इक्वल टू एच बी, ठीक है। तो ये फाइनली एच ए भी हो गया, एच बी भी हो गया, मतलब वर्टिकल रिएक्शंस एज वेल एज हॉराइजेंटल रिएक्शन या हॉराइजेंटल थ्रस्ट की वैल्यू निकल चुका है। अब मैं फाइंड आउट करूंगा नेक्स्ट, डेट इज नॉर्मल, जो फाइंड आउट करने के लिए दिया है नॉर्मल थ्रस्ट। नॉर्मल थ्रस्ट इज इक्वल टू द एच कॉस थीटा प्लस वी साइन थीटा और रेडियल शियर इज इक्वल टू वी कॉस थीटा माइनस ऑफ एच साइन थीटा। इसके लिए मुझे थीटा की वैल्यू जरूरत है और साथ में वी और एच की। देखिए अब जो एच और वी की वैल्यू जरूरत है मुझे, एच तो हो गया हम लोगों का एच ए या तो इक्वल टू एच बी जो कि हम लोगों की 432 किलो न्यूटन। अब वी का मतलब क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वी इज इक्वल टू शियर, वी इज इक्वल टू शियर फोर्स, ठीक है। अब मैं शियर फोर्स निकालूंगा लेकिन इससे पहले मैं थीटा निकालता हूँ। सो एक इक्वेशन है पैराबोला की, मैंने बताया था आप लोगों को कि टेन थीटा इज इक्वल टू 4yc, yc की हाइट है 8, सो 4yc बाय एल स्क्वायर मतलब 48 स्क्वायर एल माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ
एक्स कितने दूरी पे, हमें फाइंड आउट करना है ये 12 मीटर दूरी पे, सो 2 टाइम्स ऑफ 12, सो इससे वैल्यू आ रहा है थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स कर देंगे तो वैल्यू आएगा 18.43 डिग्री, ठीक है। तो ये टेन थीटा भी आ चुका है। अब मैं नेक्स्ट फाइंड आउट करूंगा मोमेंट एट दैट पॉइंट। मोमेंट के साथ साथ नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर भी फाइंड आउट करूंगा। पहले मोमेंट फाइंड आउट करूँ। मोमेंट एट सी पॉइंट इज इक्वल टू, देखिए मोमेंट एट सी पॉइंट, इस पॉइंट में मोमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं फाइंड, देखिए मोमेंट कैसे करूंगा, ये एक्स डिस्टेंस है तो मैं वाई डिस्टेंस भी निकालूंगा, वाई एक्स वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12। तो वाई की वैल्यू क्या निकालूंगा, पहले मोमेंट निकालने, मोमेंट की ये पहले इक्वेशन लिखता हूँ, मोमेंट इज इक्वल टू वी बी इंटू एक्स, वी बी इंटू एक्स माइनस ऑफ ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेल्व इंटू 12 बाई टू, ठीक है, माइनस ऑफ एच पी इंटू वाई। अब मैं वाई की वैल्यू पहले फाइंड आउट करूंगा, वाई क्या है, वाई इज इक्वल टू 4 वाई सी बाई एल स्क्वायर एक्स इंटू एल माइनस ऑफ एक्स, इससे मेरे पास वैल्यू आएगा y की 6 मीटर, तो इसमें 6 सब्सटीट्यूट करूंगा और vv का वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, vv इज इक्वल टू द 432 इंटू 12 माइनस ऑफ 24 इंटू 12 इंटू सॉरी ये 12 बाई 2 है, 6 माइनस ऑफ एच बी, एच बी का वैल्यू, एच बी का वैल्यू क्या था, एच बी का वैल्यू, एच बी इज इक्वल टू एच इक्वल टू वैल्यू था 432 इंटू 6। तो इससे मैं मोमेंट अगर मैं पूरा कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास मोमेंट की जो वैल्यू है वो आएगा 864 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। सो दिस इज द मोमेंट एट द पॉइंट सी, कहाँ से निकाला हूँ, बी पॉइंट से निकाला हूँ। इसके बाद ये जरूरी है पहले ही सब्स्टिट्यूट करने के लिए इस पॉइंट में। अब नेक्स्ट मैं नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर, नॉर्मल थ्रस्ट इज इक्वल टू एच कॉस थीटा प्लस वी साइन थीटा, सो एच की वैल्यू है 432 कॉस ऑफ थीटा 18.43 डिग्री प्लस वी, वी एट सी ना वी एट सी पॉइंट, सो 12 मीटर वाला जो पॉइंट है उसमें मुझे वी फाइंड आउट करना है। वी का मतलब है शियर फोर्स, सो शियर फोर्स का मतलब है, अब शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगा बी पॉइंट पे, देखिए मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन हम लोगों का ये है, इस क्वेश्चन में बी पॉइंट है, हमें निकालनी है सी पॉइंट में शियर फोर्स की वैल्यू, सो शियर फोर्स इज इक्वल टू एट सी पॉइंट इज इक्वल टू वी बी माइनस ऑफ 24 इंटू 12, तो वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, मेरे पास वैल्यू आएगा वी बी, VV is equal to 432, so 432 minus of 24 into 12, इतना sin of
फिर से 18 डिग्री 43 मिनट, ठीक है। इससे अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो इससे वैल्यू आ रहा है 455.367 किलो न्यूटन। उसके बाद रेडियल शियर इज इक्वल टू वी कॉस थीटा माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा, तो इससे वैल्यू आएगा वी इज इक्वल टू शियर फोर्स कॉस ऑफ 18.43 माइनस ऑफ एच 432 साइन ऑफ 18.43। इसको अगर कैलकुलेट करूं तो वैल्यू आएगा 0.04, नियरली रेडियल शियर की वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। सो ये हो गया हम लोगों की नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर की वैल्यू। नेक्स्ट मैं फाइंड आउट करूंगा, मोमेंट भी फाइंड आउट कर लिया, अब मैं फाइंड आउट करूंगा कि मैक्सिमम जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, इनका पोजीशन कहाँ है और कितना वैल्यू होगा, कैसे फाइंड आउट करो। पहले मैं एक्स डिस्टेंस पे फाइंड आउट करूंगा। देखिए ये क्वेश्चन है, इस पे देखिए राइट हैंड साइड में लोड है, इसका मतलब है जो मैक्सिमम मोमेंट जो होगा पॉजिटिव मोमेंट वो राइट हैंड साइड में होगा, राइट हाफ में होगा, और जो मैक्सिमम नेगेटिव है वो लेफ्ट हाफ में होगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं मोमेंट निकालूंगा एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम राइट हैंड साइड फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो x में मोमेंट की वैल्यू क्या होगा, x में मोमेंट की वैल्यू होगा पहले x में y की वैल्यू लिख लूंगा, y इज इक्वल टू 4yc बाई एल स्क्वायर एक्स इंटू L माइनस ऑफ x, x डिस्टेंस पे ये x की वैल्यू है। अब मोमेंट एट x पॉइंट इज इक्वल टू 432 इंटू x माइनस ऑफ 432 इंटू y माइनस ऑफ 24 इंटू x बाई 2। तो ये इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके y में, इसमें तो पूरा इक्वेशन जो है वो आएगा 144x माइनस ऑफ 6x स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएट करूंगा x को विद रेस्पेक्ट टू x, इक्वल टू 0 करूंगा। इसका मतलब है डिफरेंशिएट अगर करो तो 144 माइनस ऑफ 12x इज इक्वल टू 0, सो x का वैल्यू जो है वो आ रहा है 12 मीटर। इसका मतलब है 12 मीटर में मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा। सो 12 मीटर में हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किए थे, सो 12 मीटर में वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू 12 सब्सटीट्यूट करो तो वैल्यू आएगा 864 किलो न्यूटन मीटर, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने सी पॉइंट में फाइंड आउट किया था, और सी पॉइंट का लेंथ भी जो है 12 मीटर है फ्रॉम राइट सपोर्ट, ठीक है। सिमिलरली मैं अब क्या करूँगा, मैक्सिमम निगेटिव फाइंड आउट करूँगा। निगेटिव फाइंड आउट करने के लिए मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से एक्स डिस्टेंस एज्यूम करूंगा, जिस तरफ लोड ना हो तो उस तरफ हो जाएगी वाई की इक्वेशन सेम हो रहे सेम रहेगा, वाई इज इक्वल टू 4yc बाय एल स्क्वायर एक्स इंटू एल माइनस ऑफ एक्स, ये हो गया। और अब मोमेंट निकालूंगा एक्स फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, क्या होगा वैल्यू,
144 into x माइनस ऑफ h इंटू वाई, तो इससे वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 144x प्लस 6x स्क्वायर mx। अब मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा mx विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू जीरो करूंगा, तो इससे वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 144 प्लस 12x इज इक्वल टू जीरो। सो x इज इक्वल टू 12 मीटर आ रहा है, इसी में मैं 12 मीटर को सब्सटीट्यूट करूंगा तो वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 864 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब है मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो है माइनस 864 और मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है प्लस 864, तो ये वैल्यू हम लोगों का आ चुका है। तो इस तरीके से हमें करना है कि कोई भी पॉइंट में अगर मैक्सिमम फाइंड आउट करना है या मिनिमम फाइंड आउट करना है, हमें जस्ट देखना है कि लोड किस तरफ है, लोड के नीचे हमें प्लेस करना हो, ठीक है। लोड के नीचे प्लेस करो मतलब लोड के साइड प्लेस करो तो मैक्सिमम आएगा पॉजिटिव, और लोड के ऑपोजिट में प्लेस करो तो मैक्सिमम आएगा नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। और बाकी नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर की इक्वेशन मैंने बता दिया और मोमेंट के भी इक्वेशन मैंने बता दिया। तो इस तरीके से हमें थ्री हिंजेस आर्चेस की न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, ठीक है। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो। थैंक यू।